हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि आने वाले 23 दिनों में लगभग 35 लाख शादियां होने वाली हैं और उन 35 लाख शादियों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। तो ऐसे कौन से टॉप 5 वेडिंग स्टॉक्स हैं जहां पे आप पोजिशन बना सकते हैं, जिनका सेल्स इस दौरान बढ़ जाता है, उन स्टॉक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए, मोटो है आपको सिखाना। सो मिंट के अकॉर्डिंग आप देखो 4.25 ट्रिलियन बिजनेस फ्रॉम 23 डेज ऑफ इंडियन वेडिंग सीजन आने वाले हैं। सो ये मिंट का न्यूज आर्टिकल है कि इतना खर्चा होने वाला है आने वाले 23 दिनों में। तो पहला स्टॉक कौन सा निकल के आता है? जाहिर सी बात है, जो पहला स्टॉक है वो है वेदांत फैशन, जिस जो ब्रांड ओन करते हैं वो है मान्यवर और तमेव, जहाँ पे ये उनका वेबसाइट है मान्यवर का। और इनके स्टॉक्स के बारे में देखते हैं कि मान्यवर का स्टॉक अभी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सो ये वेदांत फैशन मान्यवर का स्टॉक है और यहाँ देखो इनका जो सीजन है दिसंबर में, इनका सेल्स काफी बढ़ जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या वाकई में ये ऐसा होता है। क्वार्टरली रिजल्ट देखो, यहाँ दिसंबर में इनका सेल्स 385 करोड़, यहाँ दिसंबर में इनका सेल्स 441 करोड़, प्रॉफिट 191 करोड़, प्रॉफिट 244 करोड़। तो एक्सपेक्ट है कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर यानी दिसंबर में इनका सेल्स बढ़ने वाला है। सो नो डाउट, सो ये है इनके स्टॉक्स मान्यवर। वीकली बेसिस पे ऑलरेडी कुछ दिनों में इन्होंने 8-9% का रिटर्न दे दिया है। सो ये वीकली है। हमारी जो 3 स्ट्रैटेजी है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, पहला कंडीशन यहाँ मैच हो रहा है, 20 से 80 की तरफ जाता हुआ ऑलरेडी ये 80 से ऊपर है, सो सेकेंड कंडीशन भी थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, और तीसरा 50 से ऊपर स्टॉक स्टार था ऑलरेडी 72 है। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 498 पे। अगर इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ता है तब चांसेस है इसका 1855 जाने का। तो इस पर आप नजर बना सकते हैं। इसमें अगर आपको एंट्री लेनी होगी तो आपको डे बेसिस पे हमारे तीनों कंडीशन को इंतजार कीजिए। डे बेसिस पे जैसे ये नीचे आता है, स्टॉकिस्टिक आरएसआई नीचे आता है, ये भी और नीचे आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है स्टॉकिस्टिक आरएसआई, इस तरीके का फॉर्मेशन बनता है डे बेसिस पे, तब आपको यहाँ एंटर करना चाहिए। तो अभी इंतजार कीजिए, जैसे ही ये नीचे आएगा थोड़ा रिटेस्ट लेगा 1383 के करीब में, तब यहाँ से आपकी एक एंट्री पोजीशन बनती है, आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा आता है जो इस शादी के सीजन में चल सकता है। तो दूसरा जो स्टॉक है वो है रेमंड। तो ये है रेमंड। रेमंड का भी नया एक ब्रांड आया है जिसका नाम है एथनिक, जहाँ पे वो वेडिंग गारमेंट सब बेचने वाले हैं, वेडिंग सूट वगैरह बेचने वाले हैं। तो ये है इनका ब्रांड रेमंड, और देखते हैं कि इनका स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है अभी स्टॉक मार्केट में। तो ये हमारे पास आ गया रेमंड। सो रेमंड आप देखो, ये वीक बेस पे ऑलरेडी ये स्टार्ट हो रहा है, इसमें 100% हम पोजिशन बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा तीनों कंडीशन मैच हो रहा है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर, 50 नीचे, स्टॉकेस्टिक आरएसआई 20 से 80 की तरफ जाता हुआ, और ये ऑलमोस्ट 50 को क्रॉस करता हुआ, 49.76 है। तो अगले हफ्ते 100% ये क्रॉस कर देगा। तो यानी हमारे पास तीनों कंडीशन यहाँ मैच हो रहा है, तो वीकली हम यहाँ पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे पास टारगेट क्या हो सकता है, आप टारगेट देखेंगे तो 2152-2150 का हमारे पास यहाँ टारगेट हो सकता है। तो 100% रेमंड में आप पोजीशन बना सकते हैं, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। उसका तीसरा स्टॉक देखते हैं कि तीसरा स्टॉक कौन सा आता है वेडिंग सीजन में। अब हो गया आपने कपड़े खरीद लिए, ये क्लोथिंग ब्रांड में आ गया, अब आ जाते हैं जूते वाले ब्रांड में, यहाँ पे जहाँ पे बाटा। बाटा भी वेडिंग के सीजन में उनके जूते बहुत, सैंडल्स वगैरह बहुत सेल होते हैं, तो ये एक ब्रांड है, तो बाटा को भी आप देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना तीसरा ब्रांड बाटा का क्या परफॉर्मेंस है वीकली बेसिस पे। तो ये देखो, ये बाटा का है वीकली चार्ट, तो कितना सही पोजीशन बना हुआ है, 20 ऊपर, 50 नीचे, स्टॉकिस्टिक आरएसआई 20 से 80 की तरफ जाता हुआ, और ऑलमोस्ट 50 को क्रॉस करता हुआ आरएसआई, यानी पहला कंडीशन हमारा यहाँ मैच हो गया, दूसरा कंडीशन यहाँ मैच हो गया, तीसरा भी हम यहाँ कंडीशन यहाँ मैच हो गया, हम 100% इसमें पोजिशन बना सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 1823 का। तो ये हो गया हमारा बाटा। तो यानी कपड़े का हो गया, जूते का हो गया। अब शादियों के सीजन में आपको सोचना है सबसे ज्यादा क्या बिकता है। तो शादियों के सीजन में अब सबसे ज्यादा बिकता है वो है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी के लिए सबसे ब्रांड क्या है इंडिया में, जो सबसे ब्रांड है ज्वेलरी के लिए वो है टाइटन। टाइटन ज्वेलरी, वेडिंग ज्वेलरी, वॉचेस वगैरह बहुत बेचता है। सो टाइटन यहाँ पे आता है स्टॉक्स निकल के। तो चलिए टाइटन का देखते हैं कि टाइटन का क्या परफॉर्मेंस है स्टॉक का। सो टाइटन हम आ जाते हैं वीक बेस पे।
तो ये हमारा वीकली चार्ट है, तो ये हमारा तीनों कंडीशन यहाँ मैच तो कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 उसके नीचे, यानी पहला कंडीशन मैच। दूसरा 20 से 80 की तरफ जाता है, वो ऑलरेडी ये 80 को क्रॉस कर चुका है, 94 हो चुका है। तो दूसरा कंडीशन हल्का फुल्का मैच है, ये 100 जाके इस तरीके से गिर नहीं रहा, तो इसमें हम सोच सकते हैं पोजीशन बनाने के लिए। और जो आरएसआई है ऑलरेडी 80 80 पहुंच चुका है वीकली बेसिस पे, तो हमें इसमें पोजीशन अगर आपको बनानी हो तो कब बना सकते हैं, आ जाइए डे बेसिस पे देखते हैं। डे बेसिस पे अभी बहुत ऊपर है, तो अगर ये डे बेसिस पे स्टॉकिस्टिक आरएसआई नीचे आके इस तरीके से फॉर्मेशन बनाता है, आरएसआई भी नीचे आके 50 की तरफ इस तरीके से पोजीशन बनाता है, तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। मेरे ख्याल से तब आपको इसमें पोजीशन बनाना चाहिए, अभी तो फिलहाल आपको इसमें इंतजार करना चाहिए कि इस तरीके से जब पोजीशन बनता है, जो ये पोजीशन बना था ये तीनों, तो 50 से ऊपर 20 से ऊपर जाता हुआ और ये पोजीशन, तभी आपको इंटर करना चाहिए। तो यहाँ पे इंतजार कीजिए, जैसे ये फॉर्मेशन बनता है तब आप इसमें टाइटन में घुसने के लिए सोच सकते हैं। वीकली बेसिस पे हमारा ठीक है, और डे बेसिस पे जिस तरीके से हमारा तीनों कंडीशन मैच करे आपको पोजीशन बना लेना है। अब देखिए, शादी ज्वेलरी हो गया, क्लॉथिंग हो गया, जूते हो गए। अब हॉस्पिटैलिटी में एक स्टॉक आता है जहाँ पे वेडिंग अरेंज किया जाता है, वो है इंडियन होटल, जो 82 ताज के 82 होटल्स को ओन करता है ये इंडियन होटल। तो यहाँ पे लोग बुक करते हैं होटल वगैरह वेडिंग सीजन में, तो इनका भी काफ़ी अच्छा बुकिंग रहता है, इनका भी सेल्स काफ़ी अच्छा होने वाला है इन शादी के सीजन में। तो इनका देखते हैं इनका स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ हम टाइप कर देते हैं IHCL इंडियन होटल। तो ये हमारे पास इंडियन होटल हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ देखिए 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, यानी पहला कंडीशन यहाँ मैच हो रहा है। स्टॉकिस्टिक का आरएसआई 20 से 80 की तरफ जाता हुआ, दूसरा कंडीशन मैच, और तीसरा 50 को क्रॉस करता हुआ आरएसआई, तीसरा कंडीशन मैच। तो इसमें आप पोजिशन बना सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 456 पे, इसको तोड़ता है तो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस वीकली बेसिस पे जो आता है 563 आता है। सो नो डाउट, तो उस हिसाब से अगर आपको इसमें पोजीशन बनाना हो वीकली बेसिस पे, तो पहले आप डे बेसिस पे चले जाना। डे बेसिस पे थोड़ा सा रिटेस्ट होने के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं, तो जैसे ही स्टॉक यहाँ पे आता है लगभग 424 के अराउंड, तो आप एक पोजीशन बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे तीनों कंडीशन का इंतजार कर सकते हैं। तीनों कंडीशन जब हमारा मैच हो जाता है तब आप यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं इंडियन होटल में। अब चलते हैं हम अपने लास्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है यूनाइटेड स्पिरिट का, जिनका 40% का मार्केट शेयर है। शादियों का सीजन है तो दारू तो बिकना ही बिकना है, तो ये एक ब्रांड है जिसमें आप लुक आफ्टर कर सकते हैं, शादियों के सीजन में काफी डिमांड होने वाला है। तो आइए इनके स्टॉक्स देख लेते हैं कि इनका स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है अभी। तो ये हो गया यूनाइटेड स्पिरिट। अब हम यहाँ जाते हैं वीकली बेसिस पे, तो देखो वीकली बेसिस जो हमारा तीन कंडीशन है, 20 मूविंग एवरेज ऊपर 50 नीचे, स्टॉकिस्टिक आरएसआई 20 से 80 की तरफ जाता हुआ, और आरएसआई ऑलरेडी 50 के ऊपर है, 60 के करीब में है। तो अभी एक एक्यूमुलेशन का फेज यहाँ चल रहा है, आप देख सकते हैं ये प्राइस बैंड है, एक्यूमुलेशन का फेज चल रहा है। जब यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा, 1119 यहाँ दिख रहा है, जब यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक का अगला टारगेट हो जाएगा 1280 रुपये का यहाँ, जो कि आने वाले दिसंबर मंथ में आप देख सकते हैं। तो 100% इसमें भी आप पोजिशन बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। सो ये वो स्टॉक्स थे जो शादियों के सीजन में काफ़ी डिमांडिंग रहने वाले हैं, मैंने बता दिया। कपड़े के लिए वेदांत रेमंड, जूते चप्पल के लिए ये हो गया आपका बाटा, उसके बाद 82 ताज होटल को ओन करता है इंडियन होटल, जहाँ पे होटल्स वगैरह बुक होते हैं। ज्वेलरी के लिए हो गया टाइटन, उसके बाद दारू के लिए हो गया यूनाइटेड स्पिरिट। तो ये स्टॉक्स आप देख सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। सो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें पोजिशन बनाइए, 2-3 वीक्स टाइम फ्रेम लेके चलिए, 100% आपको प्रॉफिट आएगा। सो कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।